नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू 22 टुडे और इस वक्त हमें गर्दनी बाग। अगर आपको बिहार में नौकरी चाहिए ना, तो आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, पटना पुलिस का लाठी खाना पड़ेगा, फिर भी आपको ज्वाइनिंग होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। ये बिहार सरकार की नाकामी है। और इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि एक बार फिर अनियोजित कार पालक सहायक संघ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं गर्दनी बाग में। आप देख सकते हैं ये लोग लगातार 3 साल से धरना प्रदर्शन किए, पुलिस का लाठी चार्ज खाए, फिर भी लोग ज्वाइनिंग नहीं हुआ। और चलिए आज बात करते हैं, क्या नाम है? मनु कुमारी। कहाँ से हैं? सुपौल डिस्ट्रिक्ट से। कितने दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? कितना दिन से कर रहे हैं? आज कर रहे हैं और किए इससे पहले भी, नहीं सुन रहे थे। आप कहाँ से हैं? समस्तीपुर से। धरना प्रदर्शन करने से कुछ होगा? जी कुछ तो होना चाहिए, रेगुलर। पहले भी किए थे? जी इससे पहले भी किए थे, 2019 में हम लोग किए थे, तो उसमें से आधे से ज्यादा का ज्वाइनिंग हुआ था। आप देख सकते हैं कि आज एक ही पैनल में बने आधा व्यक्ति का ज्वाइनिंग हुआ और आधा कैंडिडेट का ज्वाइनिंग नहीं हुआ। चलिए बात करते हैं, क्या नाम हुआ? पंकज कुमार। तो आप लोग लेकर एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर? हम लोग अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से धरना दे रहे हैं। इस बार लगातार धरना देने का परमिशन मिल जाता तो कंटिन्यू बैठेंगे। ठीक है, तो आप लोग मांगे क्या है, मुख्य मांगे क्या? हमारी मांग जायज है, एक ही पैनल से 70% नियोजन हो गया, 30% का नियोजन नहीं हुआ। इसके लिए हमारे बिहार प्रशासनिक पदाधिकारी प्रतिमा सिन्हा और सामान्य प्रशासन विभाग चंचल कुमार, ये दोनों का मिली भगत के कारण हम लोग का नियोजन नहीं हो पा रहा। विभाग चाहता है कि हम ही लोग BPSM के पैनल से ही नियोजन हो, लेकिन इन दोनों के चलते आउटसोर्सिंग कंपनी में ठेल दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं 70% का जब नियोजन हो सकता था, 30% का नियोजन क्यों नहीं हो रहा, इसका जवाब कौन देगा? प्रशासन विभाग से मांगते हैं, RTI से मांगते हैं, किसी से भी मांगते हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार तक नहीं है। पहले भी जनता दरबार में आप लोग गए थे? जी जनता दरबार गए थे हमारे अभ्यर्थी, तो मुख्यमंत्री महोदय के वहाँ पर आश्वासन मिला कि भाई ज्वाइनिंग करवाया जाए, इन लोगों का आधे का हुआ और आधे का क्यों नहीं हुआ, आप इन लोग का ज्वाइनिंग करवाए, लेकिन उनके बातों का अवहेलना किया जा रहा है और हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं करवाया जा रहा। हम लोग का नियोजन जल्द। क्या लग रहा है बिहार में अफसरशाही हावी है? जी अफसरशाही तो है, और हमको लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का फेलियर का भी निशानी है, चूँकि वो अपने अधिकारी को कहेंगे तो नहीं मानेंगे, ये हो ही नहीं सकता है। जब जनता सड़क पे आ जाए ना, तो समझ लीजिए कि राजा में ही खोट है। इसलिए दूसरा को दोष देना अच्छा बात नहीं है। हमारा सीधा कहना है, मुख्यमंत्री जी निर्देश देते तो हम लोग का नियोजन तो हो ही जाता, लेकिन धरना कब तक चलेगा? जब तक मांग पूरी नहीं हो तब तक। आप देख सकते हैं कि एक बार फिर अनियोजित कर पालक सहायक, और बात करते हैं, क्या नाम है? जी दीपक कुमार है। तो आप लोग अपनी मांगों को लेकर फिर एक बार उतर चुके हैं? हाँ जी सर, जरूरी था इसमें निकलना, क्योंकि हम लोग के 70% पैनल से हो चुका है, 30% पैनल से नहीं हो रहा। एक ही पैनल में से आधा व्यक्ति को ज्वाइन हुआ, आधे को नहीं हुआ? जी हाँ नहीं हुआ है, आधे व्यक्ति को हुआ और आधे व्यक्ति को नहीं हुआ है, जिसके वजह से हम लोग फिर से एक बार धरना पे उतरे हैं। ऐसा कहीं का नियम थोड़ी है कि एक ही पैनल से आधे व्यक्ति का हो और आधे व्यक्ति का ना हो, जबकि बहुत सारे हो गए और सही और आउटसोर्सिंग कंपनी से फिर लिया जा रहा है, जबकि हम लोग का पैनल 2019 से ही बना हुआ है 20 से। इसमें दोषी किसका है? इसमें दोषी तो मुख्यमंत्री जी का है, और BPSM के जो पदाधिकारी हैं उनका दोषी है, और जो चंचल कुमार जी हैं उनका दोषी है, और हम लोग का आधा पैनल का ले लिया गया, 70% का ले लिया गया, 30% बाकी है, 30% का नियोजन नहीं हो पा रहा है, ये कहाँ का नियम है? क्या लग रहा है आपको? हम लोग चयनित कार्यपालक सहायक हैं, हम लोग एग्जाम पास करके पैनल में हैं, उसमें से लगभग 70% लोगों का नियोजन हो गया, हम लोग 30% है। जब तक हम लोग का नियोजन नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है, यानी शीतकालीन धरना चलेगी। गर्दनीबाग में लाठी चार्ज भी होती है? बिल्कुल, इससे पहले लाठी चार्ज देह मजबूर क्या है? बिल्कुल, इससे पहले भी जो है जितना बार भी नियोजन हुआ है, हर बार जो है एक आंदोलन, एक जो है थोड़ा सा जो है भगदड़ करने बिना, जो है थोड़ा प्रयास के बिना अभी तक जो है एक बार भी नियोजन नहीं हुआ है। बिहार में कोई भी नौकरी के लिए एक लाठी चार्ज धरना प्रदर्शन करना पड़ेंगे? बिल्कुल, एक प्रोसेस सा हो गया, किसी भी जो है ज्वाइनिंग के लिए जो है बिना आंदोलन का जो है ज्वाइनिंग मिलना मुश्किल हो गया, तो हम लोग जो है अभी नियुक्ति पत्र मतलब ज्वाइनिंग लेकर के ही हम लोग जाएंगे, क्योंकि हम लोग चयनित अभ्यर्थी है। देख सकते हैं कि अगर बिहार में आपको नौकरी चाहिए ना, तो लाठी चार्ज खाना पड़ेंगे, वो भी किसका? तो पटना पुलिस का। एक टेंडेंसी बिहार में बन चुका है, आप देख सकते हैं
कि एक बार फिर अनियोजित कर पालक सहायक अपनी मांगों को लेकर यह लगातार 3 साल से चला है धरना, फिर भी सरकार इन लोगों को बात नहीं सुन रही है। बने रहिए अपने 22 टुडे के साथ।